टेक्नोलॉजी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। विकासखंड टाखा जनपद इटावा के कस्बा उसराहार के अंतर्गत ग्राम पंचायत बचोई कीरतपुर में मनरेगा के चलते मजदूरों के चेहरे दिखे मायूस। किताबों की जगह हाथ में थमा दिया फावड़ा। सरकार की नाकामियों को देखते हुए 12th बीए बीएससी किए हुए युवकों ने अपने घर का भरण पोषण करने के लिए हाथ में थमा फावड़ा। पूरी दुनिया में तांडव जनजीवन सामान्य होने लगा है। खौफ और दहशत के बावजूद एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रोटी की जुगाड़ में लग गए हैं। रोजी रोजगार का पहिया घूमने लगा है। गांवों में मनरेगा योजनाओं की शुरुआत हो गई है। हजारों लोग इससे जुड़कर अर्थोपार्जन करने लगे हैं। शासन से मनरेगा कार्य शुरू कराए जाने और इसमें मजदूरी मिलने से मजदूरों के चेहरे पर रौनक आ गई है। विकास खंड टाखा के ग्राम पंचायत बचरोई कीरतपुर में सड़क का कार्य जोरदार से चल रहा है। मनरेगा मजदूरों ने बताया कि ऐसी स्थिति कभी नहीं आती थी। सप्ताह में एक दो काम तो मिल ही जाता था, जिसके चलते मजदूरी का काम न मिलने के कारण गृहस्थी चलाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन गांव में मनरेगा का काम शुरू होने से थोड़ी चिंता घटी है। कार्य शुरू किए मनरेगा में मजदूरी करते हुए आखिरकार यूपी में कब तक रोजगार की सुविधा के लिए तड़पना पड़ेगा। शासन व अधिकारियों का आदेश मिलते ही सचिव मिथिलेश कुमारी, रोजगार सेवक हरीश चंद अपनी ग्राम पंचायत में मनरेगा से कराए जाने वाले कार्य शुरू करा दिए हैं। मजदूर मनरेगा में कार्य कर रहे हैं। उसराहार से संवाददाता गौरव शाकी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।